बीएससी मैकेनिक्स कमेंट वीडियो नंबर 2। इसमें हम कमेंट्स देना चाहते हैं स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे। तो इसमें से एक बार बार कमेंट आ रहा है कि हेमीस्फीयर को होलो हेमीस्फीयर कब लेना है एंड सॉलिड कब लेना है, यानी कि दो तीन टाइप के दो तीन क्वेश्चन हैं इसमें हेमीस्फीयर पे, तीन चार हो सकते हैं। तो कहीं तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी 3a/8 लिया है, कहीं a/2 लिया है, उसमें डिफरेंस क्या है। तो हमने पहले भी एक बार शायद उसी कमेंट पे वहीं पे जवाब दिया था, तो हो सकता है कि नहीं क्लियर हुआ, इसलिए हमने उस पर वीडियो बना रहे हैं फिर से, उसमें सभी लोग का क्लियर हो जाएगा। जैसे आता है हेवी हेमीस्फीयर सेल या थिन हेमीस्फीयर सेल। थिन हो सकता है कि पतली हो, पर हेमीस्फेरिकल बॉल, बॉल मतलब सॉलिड होती है, एंड रफ हेमीस्फीयर बॉल, बॉल कह दें हेमीस्फीयर बॉल कहे या हेमीस्फेरिकल सेल कहे, हैवी या सॉलिड हेमीस्फीयर सेल कहे, सॉलिड हेमीस्फीयर कहे, सॉलिड हेमीस्फीयर सेल, सॉलिड हेमीस्फीयर, थिन हेमीस्फीयर बॉल, रफ हेमीस्फीयर बॉल, जहाँ बॉल आएगा तो वो सॉलिड हेमीस्फीयर की तरह काम करेगा, यानी सॉलिड हेमीस्फीयर होगा। उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा रेडियस अपॉन 2, यानी कि हाफ ऑफ रेडियस होता है, सी इज इक्वल टू अप्लाई करेगा a/2। एंड ओनली जब केवल हेमीस्फीयर कहता है उसमें सॉलिड या हैवी या रफ हेमीस्फीयर बॉल, न तो बॉल होगा ना सेल होगा, ओनली हेमीस्फीयर जहाँ किसी के क्वेश्चन में होता है तो वो होलो हेमीस्फीयर की तरह यूज होता है, यानी उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा 3a/8। जब हेमीस्फेरिकल सेल होगा, वॉल होगा, उस कंडीशन में ही आप सॉलिड उसको मानेंगे, अदरवाइज सॉलिड नहीं होता है, या सॉलिड ऑलरेडी कह दें सॉलिड हेमीस्फेयर कहेगा तो भी वो सॉलिड ही लिया जाता है। जब ओनली हेमीस्फेयर कहेगा, ओनली हेमीस्फेयर, ए हेमीस्फेयर गिवन है, तो वो उस कंडीशन में होलो हेमीस्फेयर होता है, उसकी सीजी 3a/8 ली जाती है। तो क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन तो है, वो हम क्लियर कर दे रहे हैं, तो क्वेश्चन में उसको पहचानिएगा क्या क्या चीज़ें उसमें दे रखा है, थोड़ा सा डिफेंस है उसको करके इसमें आसानी से किया जा सकता है।